mày cha đấy, ôm mày. Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with Saima. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अरे फैन बन कर दो यार कोई. Hey guys, welcome back to my channel. और मैं हूँ साइमा और मैं आज से आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी टिप्स है मेरे पास. दो अच्छी टिप्स है. जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारा जो मस्कारा और काजल वहाँ चला गया, गिर गया मतलब. तो हमारे पास जो होता है मस्काराज और ये जो जेल लाइनर्स होते हैं हमारे पास, वो जैसे ही सूख जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं उठा के. और आपको पता है ये इतना महंगा कॉस्टली आता है ये जेल लाइनर. महंगा मतलब 150 या 200 के अंदर तो आ जाता है, बट वो भी महंगा ही हुआ 200 भी. तो 200 के अंदर या कोई 300-350 का भी जेल लाइनर आता है. और मस्कारा तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग वाटर प्रूफ लेते तो थोड़ा सा कॉस्टली आता ही है. तो जैसे ही वो सूख जाते तो हम लोग क्या करते हैं उसको यूँ देखेंगे, और अगर ऐसा लगे कि नहीं निकल रहा तो हम लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते उठा के. तो मेरे पास है आज एक अच्छा सोल्यूशन इसको फिर से यूज़ में लाने का. इनका बहुत हो गया नाटक, इतना कॉस्टली हम इनको खरीदो, देन फिर ये एक दो महीने के बाद सूख कर अपना बता देते कि नहीं भाई हम सूख गए अब हम नहीं लगेंगे, और हम इनको फेंक देते उठा के. तो अब ऐसा नहीं करने वाले हम लोग. हम लोग इनको फिर से जिंदा करेंगे. कैसे जिंदा करेंगे? अरे तो हम लोग इसको जिंदा करेंगे. कैसे ये लोग जिंदा हो सकते हैं? हम लोग इनको जिंदा करेंगे. कितना जिंदा. हाँ, तो जैसे कि ये मेरा मस्कारा जो है ना, ये बहुत बुरी तरह से सूख चुका था, और ये मेरा फेवरेट मस्कारा था, पर ये सूख चुका था, ये कोई यूज़ में नहीं था. तो मैंने क्या किया, उसमें ये लग डाला है लेंस सॉल्यूशन. अगर आपके पास है तो आप लोग डालो, है नहीं भी है तो भी खरीद लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत हिला लो पूरा फोन हिला लो. हाँ पूरा और हिला लो. तो नहीं तो मैंने इसमें 2 या 3 ड्रॉप डालकर उसको अच्छे से यू नो शेक किया और उसको छोड़ दिया 1 घंटे के लिए. देन फिर मैंने उसको जब देखा तो ये अब जिंदा हो चुका है या नहीं, तो गाइस ये जिंदा हो चुका है. देखिए जिंदा हो चुका है बहुत ही अच्छे से. तो ये एक मेरा मस्कारा जो है वो अच्छे से बन चुका है, मतलब जिंदा हो चुका है. और नेक्स्ट है मेरे पास ये जेल लाइनर, ये भी पूरी तरह से सूख चुका था. मैंने अब मेरे पिछले वीडियो में, कोई मेकअप वीडियो में बताया था कि ऑलरेडी बहुत सूख चुका था. तो मैंने इसमें 4-5 ड्रॉप डाल के इसको रख दिया था ऐसे ही. और आप देखिए अब ये कितने अच्छे से लग रहा है. तो मैंने इसको अब मैं इसको और यूज़ करूंगी, और इसको मैं 1 मंथ यूज़ कर लूंगी, उसके बाद ही इसको मैं फेंकने वाली हूँ. देन फिर और इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक आप लोग क्या सकते हाँ एक डब्बा लीजिए आप लोग, उसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल दीजिए, और उसमें ना ये जो सूखा हुआ लाइनर जेल लाइनर होता है उसको डाल दीजिए अंदर, और 1 घंटे के लिए उसको भी छोड़ दीजिए. जब आप उसको खोलोगे तो ये ऑलरेडी ये सोख कर लेगा पानी को, हल्का हल्का नीचे से सोख कर लेगा, और फिर ये ऐसी शेप में अच्छे से आपको लगा सकते हो आप लोग. ये वैसे शेप में आ जाएगा, आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है. तो आज मैं यही शेयर करने वाली थी कि मस्कारा और जेल लाइनर जिनके भी पास है, और जो लोग उनके सूख जाने पे बहुत ही यू नो अफसोस करते हैं अरे यार सूख गया, तो वो लोग बिल्कुल भी उसको फेंकेंगे नहीं. लेंस वाटर से आप लोग उसको यूज में ला सकते हो, लेंस वाटर आप लोग यूज कीजिए. और अगर आपको लेंस वाटर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास वैसलीन है तो आप लोग वैसलीन यूज करो, और जेल लाइनर में थोड़ा सा वैसलीन मिक्स करके रख देना, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना वरना वाटर प्रूफ नहीं रहेगा लाइनर, और फिर वो आप लोग उसको यूज में ला सकते हो. तो आज की मेरी यही छोटी सी टिप्स थी, क्योंकि मुझे पता है आज सब लोग होली में बिजी होंगे, वीडियो देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि ना छोटी सी टिप्स के साथ शेयर करूँ. तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा ये जो है ये वीडियो, ये 3 चीज़ों का. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा लगा है वीडियो, और लाइक करे बिना नहीं जाओगे आप लोग, जैसे कि मैं बोलती हूँ. थैंक यू फॉर सपोर्ट, बहुत बड़ा वाला था सपोर्ट है आप सबका. थैंक यू सो मच. बाय, और हैप्पी होली सबको, और हैप्पी समर भी सबको. जैसे कि अभी होली स्टार्ट है आज, तो अभी हैप्पी समर भी आने वाला है, बहुत सारी गर्मी होने वाली है. तो अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अपनी स्किन का भी ख्याल रखिएगा आप सब लोग. और हाँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके जरूर जाना, जो लोगों को भी पसंद आता है मेरा वीडियो, और जो लोगों को भी नहीं पसंद आता है वीडियो वो लोग भी, और जो लोगों को भी वीडियो पसंद नहीं आता वो लोग अनलाइक जरूर करके जाना. और हाँ, थैंक यू अनलाइक करने वालों, और थैंक यू लाइक करने वालों को तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू. और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर पसंद आता है मेरा चैनल तो. और लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं डराती नहीं हूँ यार, मैं अच्छे से बोलना चाहती हूँ, पर क्या करूँ यार, मेरे मुँह से जोर से आवाज़ निकल जाती है. तो लाइक करके जाना. क्या आपका मस्कारा सूख गया है? क्या उसमें अब शक्ति नहीं बची है? क्या उसको लगाने की अब आपकी ताकत नहीं?